नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल में आपका स्वागत है। आज हम रजीश मेलवानी और उनकी पत्नी भावना मेलवानी जी की DOV को, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 11/3/1974 और 23/2/1989 है, कोलोशु न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अंक शास्त्र की मदद से ग्रिड करेंगे। आप भी वेबसाइट से जुड़कर अपना वीडियो बनवा सकते हैं या मेल द्वारा PDF उत्तर पा सकते हैं। तो राजेश जी, आपका मूलांक 2, भाग्य अंक 8, भावना जी का 5 और भाग्य अंक 6। राजेश जी, 2-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये स्ट्रगल करवाता है और हेल्थ प्रॉब्लम देता है। और भावना जी, 5 और 6 सफलता का अंक है। राजेश जी, भाग्य अंक 8 शनि कम से कम 32 साल तक मेहनत करवाता है। ट्रिपल वन वाले बोलते बहुत हैं और कभी कभी शांत भी बैठे होते हैं। 6 नंबर नहीं है, ये शुक्र ग्रह का है, लग्जरी लाइफ का। अपनी सुविधा के लिए या शो ऑफ करने के लिए धन खर्चना पड़ता है। इनकी DOV में 2-5-8 पृथ्वी तत्व और 6 एक्शन प्लेन मेटल तत्व नहीं है। 2-5-8 और 6 नंबर में इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसे देख लेना। भावना जी का मूलांक 5, 2 चंद्र और 3 गुरु को जोड़कर बना है। चंद्र मतलब खूबसूरत, गुरु ज्ञान और 5 नंबर बुद्धि। 2-3-5 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। 6 भाग्य अंक शुक्र सब सुख देता है, फैशनेबल बनाता है। 2 मतलब 2 चंद्रमा, तो इनकी चमक चंद्रमा जैसी होगी, शीतल, खूबसूरत, शांत, लेकिन अंदर से 99 अग्नि तत्व की वजह से गुस्सा भी बहुत होगा। 99 वाले क्रिटिकल भी होते हैं, एकदम से गुस्सा भी कर लेते हैं। 3-5-7 मोशन भी होते हैं और सारे फैसले दिल से लेते हैं और दिल लगाकर धोखा भी खाते हैं। 1-5-9 विल पावर, एक बात पर अड़ जाएं तो इनके आगे हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस होता है और अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। 4-3-8 कंप्लीट नहीं है, अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी ये अपनी विचार शक्ति, सोच को सही दिशा नहीं दे पाते, लेकिन 2-7-6 एक्शन प्लेन की वजह से ये फटाफट काम करते हैं, सोचने की जगह करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे इंसान जल्दी कामयाब होते हैं। और मूलांक 5, भाग्य अंक 6 वालों के काम समय समय पर होते रहते हैं। 5 × 6, ये हुआ 30, 0 नहीं लेते, तो 3 नंबर गुरु का आ जाता है। इनमें गुरु वाले गुण भी होंगे, आप सलाह अच्छी दे सकती हैं और गुरु वाले काम भी कर सकती हैं। राजेश जी की DOV में 5 नंबर अंक नहीं है। अगर इन्हें सरकारी नौकरी ना लगे तो ऐसे इंसान जल्दी सेट नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। दोनों की DOV को मिक्स कर दें तो चार्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो ज़िंदगी में चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो, मिल जाएगा या मिल गया होगा, जैसे बच्चे, मकान, लग्जरी आदि। राजेश जी का मूलांक 2, भाग्य अंक 8 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। जोड़ 7 नंबर केतु ग्रह आता है, ये 2 नंबर चंद्रमा का दुश्मन है और 8 नंबर शनि का दोस्त, यानी कि भाग्य अंक 8 शनि का, 7 नंबर केतु मित्र है, 7 नंबर पुत्र का भी है। शनि देरी करवाता है तो इनके यहाँ अगर पुत्र नहीं हुआ होगा तो होगा, चाहे वो देरी से हो, बाकी पूर्व जन्मों का फल भी होता है। एक बात और देखते हैं, राजेश जी के मूलांक 2 को 2+9+9+9 करें तो 29 और भाग्य अंक 8+9+9 26 या 26+9 35, तो इनके काम 29 साल, 35 साल या 26 साल की उम्र में हुए होंगे। और भावना जी का मूलांक 5+9+9 23
या 23 + 9 = 32 और भाग्य अंक 6 + 9 + 9 = 24 या 24 + 9 = 33। तो इनके काम 23, 24, 32 या 33 साल के आसपास हुए होंगे। अब इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। पहले राजेश जी, राशि तुला, स्वामी शुक्र, लग्न वृषभ, स्वामी शुक्र, नक्षत्र पद चित्रा 3, स्वामी मंगल। राजेश जी, आप मंगलिक हैं। आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद अब आप अपना रिजल्ट सुने। आपकी नाक लंबी, कंधे चौड़े, काली आँखें और बाल थोड़े से घुंघराले टाइप के हो सकते हैं। गुस्सा आता है, बच्चों से प्यार, आँखों में परेशानी, शत्रुओं पर विजय, स्क्रीन डिसीज़, पेट की समस्या, माताजी बीमार, सरकार की मदद, ना समझ आने वाली बीमारी भी हो सकती है, धन का नुकसान भी हो सकता है, अचानक से धन भी आ सकता है और जा भी सकता है, विदेश के योग भी बनते हैं, माता पिता या जन्मभूमि से दूर भी जा सकते हैं, आर्थिक स्थिति में मुश्किल भी आ सकती है, छाती का दर्द हो सकता है, ज़्यादा ना बोलें। अब देखते हैं आपकी महादशा। 2028 तक शनि की महादशा है, जो कि 3/6/2026 तक अच्छे परिणाम नहीं देगी। उसके बाद मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। 2026 से हालात सुधरने लगेंगे और फिर लगातार सुधरते जाएंगे। अब भावना जी की कुंडली देखते हैं। जन्म शुक्रवार, राशि धनु, स्वामी गुरु, नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा 4, स्वामी शुक्र। अपने वचन के आप पक्के हैं, मुश्किल में हार नहीं मानते, सत्य बोलते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, झूठ से नफरत है। आप कवि, लेखक, चित्रकार, फैशन डिजाइनर, जीव विज्ञान, नेवी, नर्तक, मंच कलाकार आदि में जा सकती थी या जा सकती हैं। 2 संतान का योग है। विवाह में शायद देरी हुई होगी। भारी खाना और देरी से सोना गलत बात है। पुरानी वस्तुओं से लगाव है। लग्न कुंडली में आप मांगलिक हैं। 26 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2036 तक गुरु की महादशा है। आपको संयम से काम लेना होगा। फालतू कामों में वक्त बर्बाद ना करें। यात्राओं से बचें। लोगों से लगाव कम होगा। परिवार में भी बर्ताव पर फर्क पड़ सकता है। सहयोगियों और भागीदारों से बचें। कुछ डर सा मन में रहेगा। शुभ अंक 1, 3, 7, 9, अशुभ अंक 5, 8। शुभ वर्ष 10, 19, 28, 37, 46 वर्ष। शुभ दिन मंगल, रवि। शुभ ग्रह मंगल, चंद्र, सूर्य। मित्र राशियां मेष, वृश्चिक, रतन पीला, नीलम। शुभ दिशा उत्तर। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर शुभ हैं। राजेश जी का शुभ अंक 1, 3, 7, 9, अशुभ अंक 5, 8। शुभ वर्ष 11, 20, 29, 38 और 47 साल की उम्र। शुभ ग्रह, शुभ दिन शनि, बुध, शुक्र। मित्र राशि कन्या, मकर, कुंभ। भाग्यशाली रतन हीरा। दिशा उत्तर पश्चिम। मई जून के महीने शुभ हैं। भावना जी का चेहरा गोल होगा। बच्चों के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। पढ़ाई में समस्या। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं। पेट और नींद आने में समस्या हो सकती है। राजेश जी, आपका 5 नंबर नहीं है, बुध का। हरी सब्जियां खाया करें। घर का सेंटर का भाग खाली होना चाहिए। कोई दीवार, बाथरूम, रसोई नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल भी वहां ना उतारें। अगर गलती से वहां कुछ बन गया है, जैसे रसोई, टॉयलेट या कोई दीवार है, तो उसकी रेमेडी करें। अगर रसोई बन गई है तो गैस चूल्हे के नीचे पीला पत्थर या फायर प्रूफ
एलिमेंट लगा दें। टॉयलेट बना है तो नीचे ज़मीन पर दीवार के साथ 3 इंच पीली टाइलें, पीला रंग या टेप चारों तरफ लगा दीजिए। बाथरूम है तो पीला बल्ब लगा दें या नीचे पीली टाइलें लगा दें। छत में कोई होल या छेद नहीं होना चाहिए। 6 नंबर के लिए मेटल की 6 रोड वाली विंड चैम लगाएं। तो रजेश जी, ये थी आपकी DOB की प्रेडिक्शन, कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो, ऑडियो या मेल द्वारा उत्तर पाने के लिए हमारी वेबसाइट से संपर्क करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।